हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मसालों का जादू। आज की हमारी रेसिपी है पाव भाजी। यह पाव भाजी हम थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से बनाने पर यह पाव भाजी बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरह से बनाने पर इसका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार जैसा आता है, जैसा कि बिल्कुल बाज़ार में मिलती है। अब हम सबसे पहले भाजी बना लेते हैं। भाजी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है वह है आलू। आलू को छील कर बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है मैंने। यहाँ पर एक बड़े साइज़ का आलू लिया है और एक मीडियम साइज़ की गाजर लेकर इसको भी बड़े टुकड़ों में काट लिया है। गोभी जिसको भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। आधी कटोरी मटर लेंगे और दो बड़े साइज़ के टमाटर और एक बड़े साइज़ का प्याज लेंगे। अब हम एक कुकर में थोड़ा तेल गरम करेंगे। तेल के गरम हो जाने के बाद हम इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे। जैसे ही जीरा तड़क जाएगा हम इसमें एक से डेढ़ चम्मच पाव भाजी मसाला डालेंगे और इसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। टमाटर को अच्छी तरह से हिलाने के बाद हम इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे जो हमने काटी हुई है, आलू, मटर, गोभी और गाजर। ये सारी सब्जियां डालने के बाद हम इसमें स्वादानुसार नमक और एक चौथाई चम्मच हल्दी डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसको एक मिनट के लिए भुनने देंगे। नमक और हल्दी को भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। एक मिनट भुनने के बाद हम इसमें एक कप पानी डालेंगे। पानी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो जब हम भाजी बनाएंगे तो वो बहुत पतली हो जाएगी। हम इसमें पानी उतना ही डालेंगे जितना कि हमें भाजी में ज़रूरत होगी। इसके बाद हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसमें दो सीटी लगा लेंगे ताकि हमारी सब्जियाँ पक जाए। कुकर में सीटी लगाने के बाद हम एक कढ़ाई में एक चम्मच बटर या घी और एक चम्मच हम तेल रखेंगे और इसे गरम होने देंगे। गरम होने के बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ बड़े साइज़ का प्याज इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से भुनने देंगे जब तक कि यह हल्का सुनहरा नहीं हो जाता है। आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं, अगर आपके पास शिमला मिर्च है तो। नहीं तो आप बिना शिमला मिर्च के भी इसे बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। प्याज को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भुनेंगे ताकि यह हल्के से सुनहरे हो जाए। प्याज हमारे हल्के सुनहरे हो गए हैं, हल्के से ट्रांसपेरेंट। अब हम इसमें 2 चम्मच पाव भाजी मसाला डालकर मिलाएंगे और 1 चम्मच हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। यहाँ हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर का यूज़ करेंगे ताकि इस पाव भाजी का कलर अच्छा आए। इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और मसालों को अच्छी तरह से हिलाकर आधे मिनट के लिए हम प्याज के साथ भुनेंगे। उसके बाद हम इसमें जो हमने सब्जियों को कुकर में सीटी लगाई थी वो इसमें डालकर मिला लेंगे। सब्जियों को मसाले में अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसको हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। जो कुकर में हमने पानी है वो सारा इसमें हम डाल देंगे, उसको हम फेंकेंगे नहीं। अब हम इसे ढककर इसी तरह से 2 से 3 मिनट पकने देंगे। इसके बाद हम इसको एक बार अच्छी तरह से हिलाएंगे और उसके बाद हम मेशर की सहायता से इसको अच्छे से मेश कर लेंगे ताकि हमारी भाजी अच्छे से गाढ़ी हो जाए और सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो जाए। आप सब्जियों को पहले भी मेश कर सकते हैं और इस टाइम पर भी मेश कर सकते हैं। इस टाइम पर मेश करने पर सब्जी हमारी और पक जाती है और हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है सब्जियों को मेश करने में।
आप देख सकते हैं सब्जियां हमारी अच्छी तरह से मैश हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा और नमक डालेंगे, क्योंकि हमने सब्जियों को उबालते टाइम नमक डाला था लेकिन थोड़ा कम ही डाला था। आप अपने स्वादानुसार इसमें नमक डाल दें और अच्छी तरह से हिलाकर इसको ढककर वापस से 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। भाजी हमारी जितनी ज़्यादा देर तक पकेगी उतना ही अच्छा टेस्ट इसमें आएगा। इसमें हम एक नींबू भी निचोड़ देंगे जिससे इसमें हल्का सा खट्टापन आए। नींबू निचोड़ने के बाद हम इसे हिलाकर और ढककर इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। चार से पाँच मिनट बाद हम देखेंगे हमारे भाजी अच्छे से पक चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें हरा धनिया डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास हरा धनिया ज़्यादा है तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा डालें, क्योंकि इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यह हमारी भाजी बनकर तैयार हो गई है। अब हम पाव सेक लेते हैं। पाव सेकने के लिए हम एक तवे पर थोड़ा सा बटर डालेंगे, इसमें बिल्कुल एक छोटी चम्मच भाजी डालेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसके ऊपर डालकर इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस तरह से भाजी के मसाले में पाव को सेकने पर पाव भाजी का जो टेस्ट है बिल्कुल मार्केट जैसा आता है। हमारा बटर पिघल गया है, अब हम इस पर पाव को हम काट कर सेक लेंगे। पाव को हम इस तरह से चाकू से काट लेंगे और इसको हम तवे पर अच्छी तरह से सेक लेंगे। सेकने से पहले हम इस मसाले को पूरे तवे पर फैला लेंगे और इसको हल्का सा सुनहरा होने तक दोनों तरफ से भुनेंगे। हमें इसको ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्का सा सुनहरा करना है। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे ताकि यह अच्छे से सिक जाए। इसको हम पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे। पाव हमारी दोनों तरफ से सिक गई है, हल्का सा सुनहरा कलर इन पर आ गया है। हमें इसे इससे ज़्यादा नहीं सेकना है और इससे कम भी नहीं, ऐसा ही हमें सेकना है। इस तरह से हम सारी पाव को सेक लेंगे। पाव हमारी सारी सिक चुकी है, अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। इसके लिए हम एक प्लेट में भाजी रखेंगे, पाव रखेंगे और इसके साथ ही हम नींबू और प्याज भी लेंगे। यह हमारी पाव भाजी की प्लेट बनकर तैयार हो गई है। यह पाव भाजी बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरह से बनाने पर इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।